आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है और एक मिनिमम वैल्यू होता है, उसको कैलकुलेट किया जाए, कैसे किया जाए, ये इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे। डिफरेंशिएशन का एक मेथड है जिससे किसी भी ग्राफ के कॉनकेविटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ये जो चीज़ है ना, ये कॉनकेविटी है। केव का मतलब होता है गुफा, और ये इसका जो कॉनकेविटी है ये अपवार्ड है, इसका कॉनकेविटी अपवार्ड है। ठीक है, और इसका कॉनकेविटी डाउनवार्ड है। इसका कॉनकेविटी अपवार्ड है, इसका कॉनकेविटी डाउनवार्ड है। ये कैलकुलेट करने का तरीका है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे है, क्या है, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू एक फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सपोज दैट। इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया d बाई डी एक्स एफ एक्स, जिसको हम लोग एफ डैस एक्स लिखते हैं। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, तो ये हो गया d बाई डी एक्स एफ डैस एक्स, तो इसको एफ डबल डैस एक्स लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो जिस पॉइंट पे आपको कॉनकेविटी देखना है, उस पॉइंट वो वैल्यू x का वो वैल्यू पुट करने पर यदि ये पॉजिटिव आ जाता है तो कॉनकेविटी अपवर्ड होगा, यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड होगा। मतलब f डबल डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाता है उस x के वैल्यू पे, तो ये इसका कॉनकेविटी क्या हो जाएगा, अपवर्ड। और यदि f डबल डैश x का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाता है तो कॉनकेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड। कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस केस के में कॉनकेविटी अपवर्ड हो जाएगा। ओके, तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन था, इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया हमने तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x। एक बार और हमने डिफरेंशिएशन किया तो इसका वैल्यू आ गया 2, और 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा उसका कॉनकेविटी क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो कॉनकेविटी कैलकुलेट करने का तरीका है डिफरेंशिएशन। दो बार डिफरेंशिएशन करने पे जो डबल डेरिवेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ये कॉनकेविटी को बताता है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है इसका मतलब कॉनकेविटी अपवर्ड है, डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है इसका मतलब है कि कॉनकेविटी डाउनवर्ड है। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में ये सीखा था कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो ग्राफ के टेंजेंट का पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं यदि आप दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ग्राफ के कॉनकेविटी का पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, या मान लीजिए आप फिजिक्स में ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं, और ग्राफ जैसे वेलोसिटी का डबल डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कॉनकेविटी होगा, ठीक है, वो अपवर्ड होगा। और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू यदि लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉनकेविटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या प्रोवाइड किया, स्लोप dy बाई dx, y इक्वल टू जैसे एफ एक्स है तो dy बाई dx जो एफ डैश एक्स है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो गया, एफ डबल डैश एक्स जो हो गया, ये हो गया इक्वेशन फोर कॉनकेविटी। ठीक है, कॉनकेविटी। और कॉनकेविटी का पता कैसे चला, क्या पता क्या चला हम लोगों को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन जीरो है तो कॉनकेविटी क्या हो गया, अपवार्ड हो गया। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो है तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो गया। इस केस में कॉनकेविटी अपवर्ड हो गया, इस केस में कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, तो अब कॉनकेविटी का इंपॉर्टेंस मैक्सिमा और मिनिमा में, मिनिमा को निकालने में क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तो डबल डिफरेंशिएशन सीख लिया, लेकिन इस डबल डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा का क्या रोल। मैक्सिमा मिनिमा का रोल ये है कि यदि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो कॉनकेविटी तो अपवर्ड हुआ। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप का वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे जीरो है, तो dy बाई डी एक्स को जीरो करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स करके इक्वल टू जीरो करके क्या कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और जब इस x का वैल्यू, जब इस x का वैल्यू हम पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो वो बता देगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा वाला पॉइंट है या ये पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, देखिए जैसे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो आया तो एक्स के उस पॉइंट पे जिस पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा था वहाँ पे मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि लेस देन जीरो आया, किस वैल्यू पे, जिस पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा था उस पे फिर मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात का पता चल सकता है कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा और मिनिमा कहाँ पे होगा। इसको मैं शॉर्ट में नोट्स की तरह आपको बता देता हूँ, देख लीजिए इसको। जैसे dy बाई डी एक्स का वैल्यू जहाँ पे जीरो होगा वो x कैलकुलेट कर लेना है, वो x कैलकुलेट करना है, ये स्टेप वन में कर सकते हैं आप। स्टेप वन में क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो कर देना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इस x के वैल्यू पे, इस x के वैल्यू पे मान लीजिए x का वैल्यू x1 निकला, x का वैल्यू क्या निकला, x1 निकला, x इक्वल टू एक्स वन पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है स्टेप टू में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब एक फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, एक f डबल डैश आ गया, f डबल डैश x आ गया, क्योंकि आपने डबल दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। ये जो डबल डेरिवेटिव है, इस डबल डेरिवेटिव का वैल्यू f डबल डैश x का वैल्यू x1 पे, मतलब x1 पे यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपको, आपको एट एक्स इक्वल टू एक्स वन वाई विल बी मिनिमम। ठीक है, ठीक है, और यदि एफ डबल डैश एक्स वन का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाता है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन वाई विल बी मैक्सिमम, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन वाई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ओके, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा,
टू आ जाएगा। ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इसका कॉन्केविटी क्या हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा, अपवार्ड। और क्या पता चला, जब ग्रेटर देन जीरो है तो आपको यहाँ पे वाई जिस पे जीरो के बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स जिस पे जीरो के बराबर है, उस एक्स पे ये जो वाई का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो कर दें तो एक्स का वैल्यू निकाल लें, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, थ्री बाई टू, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको पुट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे, एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे y क्या होगा, मिनिमम होगा। तो x इक्वल टू थ्री बाई टू इसमें पुट करके y का मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बाई फोर माइनस 9 बाई टू प्लस टू, ठीक है। थ्री बाई टू पुट करेंगे तो ये 9 बाई फोर हो जाएगा माइनस 9 बाई टू हो जाएगा प्लस टू, ये आ जाएगा y मिनिमम। हमने किया क्या है, फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, dy वाई बाई डी एक्स किया और इसको जीरो के बराबर किया, और एक्स का वो वैल्यू कैलकुलेट किया जिस पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा था, वो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया और देख लिया कि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, और कॉन्केविटी अपवर्ड होगा तो मिलना क्या है, मिनिमा मिलना है। कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब मिनिमम मिलना है, और उस मिनिमा का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे मिनिमा आएगा। तो y मिनिमम का वैल्यू x के जगह पे हमने 3 बाई टू पुट कर दिया, 9 बाई फोर माइनस 9 बाई टू प्लस टू हो गया। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा y मिनिमम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।